तो कैसे हो यार तुम लोग, वेलकम बैक विद अंदर हॉरर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस अभी हमें एक नया गेम खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है आइस स्क्रीम टॉप। गाइस देखो पिछले वाला गेम में तो हमने गोलू को बचा लिया था, इस बार देखो पता नहीं क्या होने वाला है। अब गाइस अगर तुम लोग चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना ताकि तुम लोग को सारे के सारे अपडेट्स आराम से मिलते रहें और हम लोग ऐसे ही नए नए हॉरर गेम खेलते रहें। और कमेंट भी करके बता देना यार कि कौन कौन सा हॉरर गेम खेलना चाहिए, मुझे जो समझ में आता है अपनी तरफ से मैं वो कर देता हूँ। अब गाइस देखो हे टेक अ लुक एट द विंडो। अब देखो यहाँ पर अपने आइसक्रीम अंकल दोबारा से चुके हैं और ये लड़की को परेशान कर रहा है यार, आइसक्रीम दे दे। अच्छा हाँ बिल्कुल हम खेलने आ रहे हैं भाई, कोई सीक्रेट लेयर पे। भाई अंकल जी पीछे से आ गए। ओ भाई साहब, गाइस अभी अंकल जी ने अपने मतलब दोस्त की बहन को पकड़ लिया है और अभी हमको उसको बचाने जाना है। ओ भाई साहब ठीक है, अभी हमको यहाँ से पिकअप ब्लैंकेट, ठीक है ब्लैंकेट यहाँ से गाइस हम लोग ने ले लिया। अभी हम लोग यहाँ से जल्दी से नीचे उतरते हैं। भाई साहब पिछली बार तो हमने रोप ली थी, इस बार हमने ब्लैंकेट लिया है। अभी गाइस हम लोग यहाँ से जल्दी से उतर जाते हैं और यहाँ पर अंदर जाके बैठ जाते हैं जैसे कि हर बार होता है। अभी अंकल जी गाना गाते हुए निकलेंगे। I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. गाइस तो अभी यहाँ पर अंकल जी का गिर चुका है मैप और हम लोग जल्दी से जाके मैप उठाते हैं। वैसे गाइस मैं तुमको एक बार बता दूं यार कि वीडियो चैनल पे कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है पूरा स्केप लेके, इसलिए अब से मैं वीडियो को 10-10 मिनट के पार्ट में डालूंगा गाइस। तो ये है पार्ट 1 आइस स्क्रीम 2 का और पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा यार। तो अब इसको हम लोग जल्दी से वॉल पे लगा के चलते हैं। भाई मैं कहीं भी देखो बिना देखे पहली बार जब मैप लगाता हूँ बिना देखे कहीं भी क्लिक कर देता हूँ क्योंकि अंकल जी भाई कहीं से भी आ जाते हैं। अभी हम लोग सेमेट्री में आ चुके हैं। ये क्या अंकल जी की स्टोरी चालू हो गई क्या? मार्च 1954। अरे भाई क्यों रो रहे हैं अंकल जी आप? भाई ये तो गोलू लग रहा है। भाई भर भर के खाएगा तो क्या होगा, अलग ही रहेगा ना। मोटा है, सब लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है सिमेट्री में आ गए। भाई तो वो थे अपने आइसक्रीम अंकल जिसका सब लोग मजाक उड़ाते थे, इसीलिए वो मोटे मोटे बच्चों को उठा के लेके चला जाता है। अभी हम लोग सिमेट्री में आ चुके हैं और ये नई जगह आई है, पिछली बार ये वाली जगह नहीं थी। अभी हम लोग जल्दी से यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लायक कुछ है क्या। भाई ये सिमेट्री का मतलब यार कब्रिस्तान होता है। ओ भाई साहब कुछ है तो नहीं यार यहाँ पर। भाई कोई काम का सामान मिल जाए। ये क्या है भाई, आइसक्रीम अंकल की शक्ल का। Father, you were my only family. अच्छा। I never met my mother. But that never mattered to me. You and I were a great team, Father. I always wanted to be an ice cream maker as big as you. Although I wish you had more time for me as a child. I had. भाई हमने स्टोरी स्किप कर दी। अब यहाँ पर टूमस्टोन में हमको कैंडल लगानी है। अब कैंडल कहाँ मिलेगी ये तो नहीं पता है। अभी गाइज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कोई सामान है। ये वाली कैंडल लग जाएगी क्या यार? ये वाली कैंडल्स यहाँ पर नहीं लगेगी तो फिर क्या लगेगा? भाई कोई सामान भी तो दो यार। अभी यहाँ से हम लोग बैठ के नीचे चलते हैं। ये कौन सी गाइस, ये दोबारा हम लोग वहीं पहुँच चुके हैं। भाई वो यहीं कहीं है, उसका गाना सुनाई दे रहा है। ये नाली कैसी है, छोड़ो ये सब। भाई वो उधर से आ गया। भाई दरवाज़ा खोलो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से भागते हैं यार। हर बार वो कैसे देख लेता है इतनी दूर से। भाई ये क्या है, दीवार क्रैक। भाई कुछ आया, यू हैव नथिंग टू प्लेस देयर। भाई दरवाज़ा खुल जल्दी यहाँ से गाइस, अभी हम लोग को जल्दी से जल्दी भागना पड़ेगा। ये कुछ है नहीं है भाई, वो आ रहा है भाई यार। मैंने सोचा यार वो आ नहीं रहा है। अभी हम लोग गाइस जल्दी से चलते हैं यहाँ पर क्राउच करके गाइस हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिलहाल गाइस अभी हमको कोई सामान मिला तो नहीं। अभी गाइस हम लोग यहाँ से कहीं और चलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला है। Jay, help me out of here. तो भाई पहले चाबी मिल जाए तब तुमको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्टॉप सिनेमा। गाइस अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे मूवी देखने। भाई मूवी भी चल रही है, कौन सी चल रही है? भाई अभी हम लोग यहाँ पर किसी मूवी थिएटर में आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत ढेर सारी गाड़ियाँ हैं। भाई इसके ट्रंक हम लोग खोल सकते हैं क्या? ऑप्शन आया था ये देखो। हाँ भाई परफ्यूम, ठीक है इसी को रख लेते हैं। भाई अब वो आ गया यार, वो आ गया। किधर है वो? पीछे से आ रहा है यार वो।
भाई भागो, पहले सारे ट्रंक हम लोग खोल के चेक कर लेते हैं यार, इतनी स्लो स्लो तो वो आ रहा है। बस इसी का एडवांटेज रहता है कि वो स्लो आता है। आओ भाई तू स्लो स्लो आ, मैं आराम से देखता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ से कुछ काम का मिलेगा या बस परफ्यूम ही मिल गया है? यहाँ पर कुछ है टूल बॉक्स में, क्या है? गाइज हमको एलन रेंच मिल चुका है, हमको परफ्यूम मिल चुका है, हमको एलन रेंच मिल चुका है। अभी और भी किसी चीज़ का काम है हमको? यार कोई कहीं ना कुछ तो लग ही नहीं रहा है। सेमेट्री में तो हम लोग गए, वहाँ हमको कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। अभी गाइज यहाँ पर हम लोग इसको जल्दी से अंदर फेंक के आते हैं, और यहाँ से सामने से अपने आइसक्रीम अंकल आ रहे हैं। ये सब नहीं खुलता क्या यार? जितने बड़ा बड़ा ट्रक खुल जाता अभी मज़ा आ जाती। भाई ये रेंच कहाँ लगनी है? अभी भाई अंकल जा चुका है। ठीक है अभी यहाँ से गाइस हम लोग निकल लेते हैं चुपचाप। नेक्स्ट स्टॉप सर्कस, ये भी नई जगह है। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग सर्कस पे पहुँच चुके हैं, और ये अपने आइसक्रीम अंकल गाड़ी चला रहे हैं। वो भाई ये क्या कर रहा है? फुल हैवी ड्राइवर हो रखा है ये देखो भाई, ड्रिफ्ट। भाई लैम्बोर्गिनी नहीं है जो तो ड्रिफ्ट लगा रहा है इतना। भाई अभी हम लोग यहाँ से इसको यहीं फेंकते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। अभी भाई यहाँ पर क्या, अरे भाई साहब ये इधर ही कहाँ से आ गया? भागो 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 यार, इसमें जा सकते हैं क्या? नहीं छुप सकते भाई कहीं तो। अभी इसको बेवकूफ़ बनाता हूँ, पूरा घूम के आऊँगा उधर से जान भी नहीं पाएगा। आ जा भाई तू, आ तेरे को बेवकूफ़ बनाता हूँ। आ जा, गया तू? भाई ये बिन में क्या आ रहा है? भाई यार मुझे याद है पिछली बार जब हम लोग कैफेटेरिया में गए थे पिछले वाले गेम में, तो हमको कुछ मिला था कोई पासवर्ड जैसी थी, हो सकता है यहाँ पर भी निकालनी हो कोई पासवर्ड जैसी थी। चलो भाई बिन, भाई यहाँ पर बिन्स की कमी नहीं है, वो किधर है यार? आइसक्रीम अंकल कहीं अचानक से पीछे से धप्पा ना कर दे। यहाँ पर कुछ है क्या? यू डिडंट फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग? ओ भाई मुझे गोलू दिखा था यार। पहले हम लोग ये बिन टेस्ट कर लेते हैं। मुझे पीछे वाले दरवाजे में गोलू दिखाई दिया था, इसमें भी हमको कुछ काम करने मिला। ये देखो भाई खड़ा है, अंदर भी नहीं आने दे रहा है। यहाँ पर हमको पास चाहिए, कोई आइडेंटिफाई योरसेल्फ। भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, क्या आइडेंटिफाई क्या करूँ? इसमें भी हमको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला गाइस। अभी ये हो सकता है लास्ट डस्टबिन है यहाँ की, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी गाइस हमें अभी कुछ नहीं मिला है यार, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए अभी सर्कस के अंदर। गाइस यहाँ पर कुछ है? भाई वो यहीं कहीं है, अंकल जी यहीं कहीं है। भाई यहाँ कुछ है नहीं क्या? भाई कैसी वाहियात सी जगह है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर भाई कुछ तब कुछ ना कुछ तो होगा यार, फालतू में थोड़ी ना जगह दी होगी ये वाली। अबे भाई वो सामने से किधर से आ रहा है यार, कहीं और जा तू। भाई म्यूजिक इन लोग, अच्छा मैं समझा यार वो बापू वहाँ ऊपर जा रहा है। भाई वहाँ ऊपर भी जाके देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम का होगा। भाई वो बार बार वहीं जाता है, इसके पीछे गाय छूट जाते हैं, जान नहीं पाएगा वो। गायब हो गया भाई, जा इधर से, तेरी कोई जरूरत नहीं है। भाई देखा तो नहीं उसने, देख लिया क्या? अरे भाई उसने दोबारा देख लिया यार। अभी गाइस हम लोग जल्दी से चलते हैं यहाँ से यार, यहाँ से इसको बेवकूफ़ बना के साइड से निकल लेते हैं ना। अभी गाइस हम लोग को सारी की सारी डस्टबिन जितनी भी है सब चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। यही है लास्ट डस्टबिन, अगर इसमें नहीं मिला भाई तो दिक्कत हो जाएगी यार। कुछ सामान तो दो यार, वो सामने से आ रहा है यार। तो चलो गाइस फाइनली हमको स्पेशल पास मिल चुका है, अब इससे हम लोग झूला झूल सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, वो देखो वहाँ से कहाँ से भाग रहा है। पर अभी हमको यहाँ पर ये पास लग जाएगा, लग गया यार। अरे भाई एनिमी क्लोज है तो खोल दो ना यार, उसके पास कौन सा पास है कि वो अंदर घुस जाएगा। अरे यार नॉट अ गुड टाइम टू डू दिस एक्शन, तो भैया गुड टाइम कब है? आओ भैया तुमको हम बेवकूफ़ ही बनाते हैं, इसको दोबारा से इसी रास्ते से बेवकूफ़ बना के मैं उधर से जाता हूँ। आ जाओ भाई, अब तो खोल चार्ली। Welcome to the secret lair. I am the king. भाई तू राजा है तो मैं क्या हूँ? I'm the best player in the world. No one will exceed my record. कोई तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, मैं तोड़ के दिखाऊंगा ना तुम्हारा रिकॉर्ड। ये भाई ये कौन है? इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। What's up, Jay? इसका नाम माइक है। I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. अभी ये क्या कहते हैं? गोलू अपना इस गेम के बारे में बात कर रहा था, थोड़ा इसको भी खेल के देखते हैं।
भाई टफ लग रहा है तो। ओ भाई साहब पहले ही हम लोग निकल लिए। तो गाइज ये माइक कह रहा है कि इसके पास कोई भी को, मतलब कोई रेयर सामान है जो कि हमें दे सकता है अगर हम इसको कोई चीज़ प्रीटी ला के दें। भाई हमारे पास परफ्यूम है ना, परफ्यूम इसको पकड़ा देते हैं, सस्ते में नहीं पड़े आएगा। अभी कोई प्रीटी खोजने जाएंगे तो मेहनत लग जाएगी यार हद से ज़्यादा। लो भाई हार गए। भाई तू ही किंग है, रख ले अपनी बंदूक, मैं बिना उसके पार कर लूँगा। भाई अभी दरवाज़ा खोलते हैं और यहाँ से हम लोग अपना परफ्यूम लेते हैं। What will the ice cream maker ये रहा परफ्यूम। भाई मुझे नहीं पता उसको उससे क्या चाहिए। इसको जल्दी से खोलते हैं और इसको दे देते हैं परफ्यूम। भाई इससे तेरा काम हो जाएगा, ले रख ले। Super cool. हो गया भाई। Sure. भाई मैं तो मजाक मिला रहा था, ये तो वाकई ले लिया। What's up, Jay? भाई तो व्हाट्सअप क्या कर रहा है, कुछ देना। अच्छा कुछ दिया तो डोर नॉब। गाइज हमको डोर नॉब मिल चुका है, अभी इसको जल्दी से रखते हैं गाड़ी में और फिर बाकी की चीज़ अगले एपिसोड में। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।